आपको भी अपने मोबाइल में ईयरफोन मोड की प्रॉब्लम आ रही है, मतलब कि आपके मोबाइल में आपने ईयरफोन कनेक्ट नहीं कर रखे फिर भी आपको ईयरफोन का साइन ऊपर देखने को मिल रहा है, नोटिफिकेशन बार में आपको ईयरफोन का साइन देखने को मिल रहा है, वो बार बार आ रहा है, वो जा ही नहीं रहा है, इसमें आपको साउंड में भी प्रॉब्लम आ रही है, तो आप बिल्कुल सही वीडियो देख रहे हैं। इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि यहाँ पे आप इस ईयरफोन के साइन को कैसे हटा सकते हैं अपने मोबाइल से। तो उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को लिए सब्सक्राइब और वीडियो को लिए लाइक। सो मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि ये जो साइन आता है ये इसलिए आता है, या तो आपके मोबाइल में पानी चला जाता है, आपके ईयरफोन जैक में पानी चला जाता है तो यहाँ पे ये साइन आ जाता है, उसके बाद या फिर डस्ट वगैरह चली जाती है तो भी ये प्रॉब्लम आ जाती है। तो इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है वो मैं आपको दो से तीन तरीके बताने वाला हूँ। तो पहला तरीका तो ये है कि आप सबसे पहले अपने मोबाइल को स्विच ऑफ करके देखें, जैसे ही आप स्विच ऑफ करके ऑन करोगे रिस्टार्ट करोगे उसके बाद प्रॉब्लम ठीक हो जाती है कई सारे मोबाइल की। अगर फिर भी आपकी प्रॉब्लम ठीक नहीं होती है तो फिर आपको करना क्या है कि आपको एक जो एक पतला डंडा लेना है और उस पे आपको एक कपड़ा लपेट के अपने ईयरफोन जैक को साफ करना है। जैसे ही आप इसको साफ करते हैं उसके बाद क्या होता है कि आपकी जो डस्ट वगैरह है जो भी इसमें गई होगी वो यहाँ पे निकल जाती है और उसके बाद आपकी प्रॉब्लम ठीक हो जाती है। और तीसरा तरीका यह है, इससे भी अगर आपको प्रॉब्लम ठीक नहीं होती है तो आप इसको, अगर आपके मोबाइल में पानी वगैरह चला गया है तो आप इसको 1-2 घंटे के लिए धूप में रख दें अपने मोबाइल को स्विच ऑफ करके, जैसे आप धूप में रखोगे उसके बाद यहाँ से पानी वगैरह निकल जाएगा। तो ये कुछ तरीके हैं। और साथ साथ जो तीसरा चौथा तरीका है वो ये है कि आपको प्ले स्टोर से एक ऐप डाउनलोड करना होगा ईयरफोन मोड नाम से। जैसे आप डाउनलोड कर लेते हैं उसके बाद यहाँ पे सेटअप करके और यहाँ पे आपको ईयरफोन का मोड का ऑन ऑफ का बटन देखने को मिल जाएगा, तो आपको ऑफ करके इसको देख लेना है, इससे भी प्रॉब्लम ठीक हो जाती है। तो ये कुछ तरीके हैं जिनसे कि आप अपने इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। अगर इनसे भी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है तो आपको मोबाइल रिपेयर शॉप पर जाना होगा, आपके मोबाइल में कोई यहाँ पे कमी हो सकती है, प्रॉब्लम हो सकती है, तो आपको दुकान पे ही जाना होगा, शॉप पे ही जाना होगा जहाँ से कि आपकी प्रॉब्लम ठीक की जाएगी। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी, प्लीज लाइक और चैनल को देना सब्सक्राइब।